हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ऑनेस्ट रिव्यू कि कोलगेट टूथपेस्ट के साथ स्लाइम बनता है या फिर नहीं। और ये एकदम रियल वीडियो है मेरा, मतलब इसमें कोई भी एडिटिंग या फिर कट मैंने नहीं किया है इस वीडियो में। तो आप लोग को एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि स्लाइम बनता है या नहीं। कोलगेट से अगर बनता है तो आप लोग भी घर पे बना सकते हो, या फिर नहीं बनता है तो बिल्कुल ट्राई मत करना। तो मैंने लिया एक कोलगेट का टूथपेस्ट, एकदम नया नहीं लिया, जो मम्मी ने फेंक दिया था उसको काट के उसके उसके जो कोलगेट की जो पैकेट में लगा रहा था उससे लिया। मैंने आप लोग को दिखाया भी, और एक छोटा सा बॉटल लिया, एकदम छोटा सा। उसमें मैंने उतना कोलगेट डाल लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, और इसे हम लोग अच्छे से नहा लेंगे, या फिर अच्छे से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर लेना, तो ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसलिए मैंने इसे एक छोटा सा बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। और जब तक मैं इसे बाउल में डाल रही हूँ तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ। और ठीक है, टारगेट रखते इस वीडियो का 200 लाइक्स। ओके, सो जल्दी पहुँचा देना प्लीज़। अब हम लोग फिर से एक बार मिला लेंगे अच्छे से। अब मैंने यूज़ किया है कलर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। मैंने एक वाटर कलर यूज़ किया है, उसको मैंने पिंक कलर मैंने डाल दिया। आप लोग की फेवरेट कलर आप लोग यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी कलर फैब्रिक हो, कोई भी। ओके, इट्स ऑप्शनल। फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इसके अंदर मैंने डाला है। जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं जिस स्पून से, उस स्पून वो प्लास्टिक वाला स्पून के एक स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था, और अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर मैंने थोड़ा सा एक चुनठी नमक लिया, उसे भी डाल दिया इसके अंदर और मिक्स कर दिया। बस हम लोग को इसे मिक्स करना है, मिक्स करते करते जब तक ये स्लाइम नहीं बनता, पर मेरा तो स्लाइम बना ही नहीं, सो वेरी बैड। तो गाइस, आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि ये बिल्कुल वर्क नहीं किया, तो इसके लिए एक थम्स डाउन, और बिल्कुल ट्राई मत करना घर पे। ओके, बाय।